दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम एक मुलाकात में। मित्रों, हम सब की कोई ना कोई छोटी बड़ी चाहत होती है। हम सब को उस चाहत को पाने के लिए बहुत इंतज़ार भी करना पड़ता है। पर कैसा होता है वो लम्हा जब अचानक किसी दिन यूं ही वो इंतज़ार सफलता का रूप ले लेता है। क्या उन लम्हों में एक छोटा बच्चा जिसे अपना पसंदीदा खिलौना मिल गया हो उसमें और हम में कोई फ़र्क होता है? शायद नहीं। चलिए, आइए इसी एहसास को आज हम ढूंढते हैं किसी और के अनुभवों में। मिलते हैं हमारे आज के मेहमान स्वामी गौड़ जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात में। ओम शांति। धन्यवाद सर। आप पहली बार यहाँ आए हैं अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर्स में, कैसा आपको लग रहा है? मैं पहले तो 100 ईयर सेलिब्रेशन दादी को मैंने शुभकामना देता हूँ। जी, दादी की 100 साल की सेलिब्रेट कर रहे हैं शताब्दी। मैं पहले शुभकामना मेरे तेलंगाना ओर के देना चाहता हूँ। और मेरा सौभाग्य है, जैसा बच्चों बाप को ढूंढते ढूंढते बच्चे अपने बाप के पास पहुंच जाते हैं, ऐसा मैं भी आज जिसको ढूंढ रहा हूं वो जिंदगी में या ब्रह्म कुमारी इस फैमिली में मिलने का चाहे शायद या बाप के पास ज्ञान है। दादी से मिले तो दादी का आशीर्वाद लेके मैंने तेलंगाना पब्लिक के पास पहुंचूं, इसलिए मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूं। जी। मैं ये मेरा सौभाग्य है, मैं यहाँ तक पहुंचने में आज जो है बाबा ने जो मदद की उनका ज्ञान के उनके माध्यम से मैंने यहाँ पहुंचा। उमा रानी मैडम, डॉक्टर उमा रानी मलकपेट में जो काम करती है ये ब्रह्म कुमारी फैमिलीज में, वो उनके तरफ से मैंने यहाँ पहुंचा हूँ। मैं उनको भी और ब्रह्म कुमारी फैमिलीज को दादी को मैं शुभकामना देता हूँ। सर, आप परमात्मा में कितनी आस्था रखते हैं? आप भगवान कितना आप उनको मानते हैं? मैं तो इतना ही समझता हूँ परमात्मा, लोग जो है कोई अल्लाह बोलता, कोई गॉड बोलता, कोई जीसस बोलता, कहीं कहीं लोग कहीं कहीं नाम से पुकारते हैं। जी। मगर जैसा बाबा बोले, जैसा वन सुपर पावर इज देयर, यू कॉल्ड शिवा, यू कॉल्ड अल्लाह, वट एवर इट्स, बट सम सुपर पावर इज देयर। वही सुपर पावर आज बाबा ने जो उसको प्राप्त किया, जो ज्योति के रूप में बाबा की जो मन में बस के जो दुनिया को प्रकाशित करना चाहते हैं वो बाबा जो देखे हैं, मैं इतना ही समझता हूँ। ये जितने भी युगा चलते आ रहे, युग चलते चलते पूरा विनाश की तरफ, जैसा साइंस लो, जितना साइंस बढ़ते जा रहे एक दिन यही साइंस विनाशन के कारण बन जाएगा। जी। तो इसलिए बाबा ये विनाशन की तरफ जाने से पहले ये दुनिया को ज्ञान देना चाहता, प्रकाशित करना चाहता है। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्या श्योरिटी हो गई है कि संस्था को चलाने वाला यहाँ जो ज्ञान दे रहे हैं वो परमात्मा खुद हैं? यस, ये जो ज्ञान यहाँ पर मिल रहा है भगवान के थ्रू प्रॉपर चैनल मिल रहा है, बाबा के थ्रू प्रॉपर चैनल यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ जितने भी काम कर रहे ब्रह्म कुमारी फैमिलीज वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, वो जो भगवान से मांग रहे बाबा से जो प्रॉपर चैनल जो रिसीव कर रहे ये फिर जो है दूसरों को बांटने को जा रहे, वो वापस में कुछ नहीं मांग। जी, क्योंकि एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ह्यूमन की कि जो मुझे अच्छा लगा वो दुनिया को देऊं। जी। इसीलिए मैं सिस्टरों को और या जितने भी यहाँ काम कर रहे हैं ये फैमिलीज को सदर में प्रणाम करना चाहता हूँ। इसलिए ये जनता को जो ज्ञान प्राप्त करके जो है नेक्स्ट जनरेशन तक ये दुनिया को जो है चेंज करना चाहते हैं, रियली अप्रिसिएबल, ये इसको कोई लफ्ज़ नहीं मिलते इसको बोलने के लिए। इसलिए ये जो सिस्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे, जो मास्टर्स या राजयोगिनी यहाँ काम कर रहे, ये पूरे जो है बाबा से कि जो प्राप्त करे वो जो प्राप्त करे सो ज्ञान को जो दुनिया में बांटने को जा रहे, दुनिया में बांट रहे। मैं ये दुनिया में बांटने मैं भी ये चप्पन गाट रहा था, ज्ञान कहाँ मिलता है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, फैमिली क्यों परेशान है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट हर एक आदमी जो है। हाँ। ये बात क्या बोले तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ ना कुछ कमजोरी महसूस कर रहे, शक्तिहीन महसूस कर रहे, दुनिया में मैं बोल के एक अपनापन डेवलप हो रहा, जो यहाँ पर आने के बाद मैं नहीं हम है अपन जी। ये जो ये लफ्ज जो है ना बिल्कुल छोटी है, हम
मगर इसमें पूरा दुनिया बसा हुआ है। और सबसे खूबसूरत चीज ये है सर कि यहाँ पर किसी को पता नहीं कि कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, ना जाति का पता है, ना वर्ग, ना कौन से फाइनेंशियल पोजीशन, कुछ नहीं पता है, बट सब एक फैमिली होके रह रहे हैं। ये सब आपने यहाँ पर अनुभव, मैंने महसूस किया, रात से मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले भी जो रतन दीदी रतन दादी जो हैदराबाद आए थे जी, उस दिन भी मैंने ये चीज देखा है, वह कितने वर्गों के लोग आए मगर कौन किसी को नहीं, हर एक आदमी ओम शांति ओम शांति। अगर ये शांति दुनिया में मिल सके, ये रॉकेटों की वार, ये अनुभवों की वार, ये कास्टिज्म, ये सब जो है, पूरा दुनिया ओम शांति में बच जाएंगे। जब दुनिया ओम शांति में बच जाते हैं और क्या चाहिए आदमी को जी। तो इसलिए ये इसको खत्म करना है, मैं अपनापन, ये मैं हूँ, स्वार्थ भावनाएं जो चल रही है, स्वार्थ भावना जो है, जब खत्म करे तो उन्हें ऑटोमेटिकली योगी बन जाएगा, वो योगी दुनिया में अपना ज्ञान बांटेगा। मैं इसलिए लोग समझते है, थोड़े लोग मेरे को बीच में कभी कभी बोलते हैं, इससे पहले सुबह में हैदराबाद से जो सिस्टर आई थी उन्हें कुछ बात कर रहे, तो लोग मेरे साथ ही एक बात बोले, रोज क्लासेस में जाने की जरूरत है क्या जी? थी पाचा मैं, मेरा हमारे साथ ही सचनारायण साहब बोल रहे थे, मैंने डेली अर्ली मॉर्निंग मैंने ब्रह्म कुमारी क्लास को सुबह में जाके बैठता हूँ, बोले तो डेली सुन, डेली वही क्लास है ना, वही किताब है ना, वही ज्ञान है ना, डेली सुनने का क्या है? तो मैं समझता हूँ डेली सुनने की मतलब होती है, आदमी रोड पे से ये संसार में रोजाना एक प्रॉब्लम आता, रोजाना एक समस्या आता, फैमिली का समस्या था, परीक्षा, दुनिया की समस्या आते रहती, मगर दिल को साफ करते रहना एवरीडे। जैसा बाजार के बाजू जो है मिरर को रख के एवरीडे कपड़ा लेके साफ करके अपना सूरत देख लेते, तो रोजाना साफ करने की क्या जरूरत है मिरर को, मगर डस्ट गिरते रहता। इसीलिए मन में भी कलमश आते रहता, मन में भी इच्छा पैदा होती, दुनिया की ये संसार में कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये दिल को एवरीडे साफ करना भी जरूरी है, इसलिए क्लास को जाना जरूरी है। मैं इसीलिए मानता हूँ जैसा आदमी अपना भी, भाई जी एक ये भी बात है कि ये इंस्टीट्यूशन एक्चुअली एक स्कूल है, स्कूल में जैसे बच्चे को रोज भेजना होता है, रोज उसके अंदर एक नई बात, एक नया एजुकेशन, नई मैनरिज्म, सब कुछ नया नया एवरीडे बच्चा सीखता है, तो वैसे यहाँ पर भी एवरीडे डेवलपमेंट हम करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि रोज के रोज अपने अंदर बूंद बूंद करके सागर को भरा जाए। एग्जैक्टली, इसीलिए यहाँ पर भी मैं वही पाया है, एवरीडे क्लास को जाने में, एवरीडे मालूम करने में आदमी फ्रेश हो जाता है, जैसा क्लास फ्रेश होता, जैसा अपना फ्रेश होने के बाद आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखना नजर आते हैं। इसीलिए अगर दिल को भी साफ रखे तो दुनिया भी साफ दिखेगा, ये दुनिया को अपन ज्ञान प्राप्त करने का भी साफ दिखेगा, रास्ता साफ दिखेगा जी। भाई सर आप मुझे ये बताइए कि आपके जीवन में आप बहुत आपकी काफी स्ट्रगल रही मैंने सुना, तो आप मुझे पहले तो वो थोड़ा हमें क्लियर करें, और दूसरा कब आपको लगा कि आपको स्पिरिचुअलिटी की अपनी लाइफ में बहुत जरूरत है? पहले तो मैंने एक ऑर्डिनरी नौकरी करा था जी, ऑर्डिनरी जीने के लिए एक चपरासी नौकरी जी। वो चपरासी नौकरी करते करते मैंने तेलंगाना एनजीओ का अध्यक्ष बना। ये अध्यक्ष बनने के बाद जो मेरा राष्ट्र पब्लिक को, जो मेरा जितना एम्प्लॉयमेंट मेरे को तेलंगाना में मिलना है उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, जितना पानी मेरे को मिलना है उतना पानी नहीं मिल रहा है, जितना बजट मेरे को मिलना है वो नहीं मिल रहा है, तो इसका रीजन क्या है? बेसिक जो चीजें किसी को भी अच्छी जीवन जीने के, तो इसका रीजन हमें मालूम करे तो क्या है बोले तो आंध्र प्रदेश, आंध्र एंड तेलंगाना दो राष्ट्र जो है मिलकर काम कर रहे हैं। ओरिजिनली तेलंगाना आंध्र प्रदेश का स्टेटस ओरिजिनल क्या है बोले तो आंध्र तेलंगाना मिलकर एक राष्ट्र बना जी। बनने के बाद 50 साल के 3 साल के बाद ये महसूस होने लगा पूरा आंध्र जो है कोई एजुकेटेड पीपल इज देयर, जितना तेलंगाना में पूरा लिटरेरी नहीं है या पढ़ाई नहीं है। ये पढ़ाई नहीं रहने के वजह से जो है ये हमारे साथी भाइयां जो है अपना राष्ट्र को डेवलप करते हुए बजट, नौकरियां, एवरीथिंग
मेजॉरिटी में ले के जा रहे, तो ये महसूस हो के हमें बोले हमको भी राष्ट्र होना चाहिए, हमारे भी सत्ता है, हम हमारे घर को संभाल सकते हैं। इसलिए ये लड़ाई में मेरे को 20 साल गई। ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि नॉर्मली पॉलिटिक्स में आना और ये सब कोई आना नहीं चाहता, सब किनारा करते हैं, और आपने एक तरह से पहल की कि नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझे सॉल्व करनी है, ना कि आपने दूसरों पे सोच के हाथ किसी के ऊपर हमें ढकलना ना चाहते हैं। हम इतना ही वो लोगों को, हमारे आंध्रा भाइयों को समझाना चाहते हैं, हम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हम चला सकते हैं, क्यों हमको राष्ट्र नहीं देते। हमारे पब्लिक भी 3,75,00,000 है। जब 3,75,00,000 डॉक्टर अम्बेडकर ने करा था, छोटे राष्ट्रों को इतना जनाबस बस होती है, ऐसी जनाबस से हर एक राष्ट्र बस चुके भारत में, तो हमको क्यों नहीं देते। तो ये लड़ाई में मैंने 20 साल गया, नौकरी में 15 साल गया, ये लड़ाई में आंध्रा तेलंगाना राष्ट्र लेने में लड़ाई में 20 साल गया। तो आप अपने आपने जो लक्ष्य से वो जंग शुरू की थी वो हो गया। वही तो बताना चाह रहा हूँ, जो चीज के हमें लड़े, जो चीज के हमें लड़े, वो चीज मैंने पा चुका हूँ, तेलंगाना राष्ट्र हो चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको। तो मैं चपरासी से लड़ाई शुरू करे तो आखिरी तेलंगाना रहने के बाद मैंने चेयरमैन बना। जी जी। तो चपरासी से चेयरमैन तक मेरे के मूवमेंट लाई, तो ये लाने के बाद मेरे दिल में कमी महसूस हो रहा, सही लड़ाई ठीक है राष्ट्र ला लिए, तो ओरिजिनल क्या है, ये दुनिया को क्या चाहिए ओरिजिनल, मेरे को क्या चाहिए ओरिजिनल, ज्ञान प्राप्त होना है। मैंने अपने रियलाइज किया कि ये जो बेसिक चीजें हमको अच्छी जीवन जीने के लिए चाहिए वो तो चाहिए, वो तो चाहिए, कुछ और भी है जो इन सब से ऊपर है, है, और जो बेसिक है वो पहले चाहिए। मैं क्या, जो पेट को खाने के लिए तो संभालने के लिए तो मैंने चीजों को ला लिया, पानी को ला लिया, तेलंगाना राष्ट्र ला लिया, पेट को खाने के लिए अच्छा भोजन मिल रहा है जी। मगर भोजन, अच्छा भोजन जैसा पेट को मिल रहा है, अच्छा भोजन मेरे मन को भी मिलना है जी। तो ये मन को कहाँ से मिलेगा। तो जिस वक्त मैंने ब्रह्म कुमारी क्लास को, एक मीटिंग को अटेंड हुआ था, दादी रतन जी का प्रोग्राम को, वहां से उमा मैडम से मिला था, ये मिल से उनसे दो लफ्ज बात करने के बाद मेरे को महसूस हुआ, यस जो चीज को मैंने ढूंढ रहा था यह मिल सकता है, थोड़ा कोशिश करे तो, थोड़ा मेहनती करे तो, थोड़ा दिन मन लगा के अगर मैंने करे तो ये मन शांति यहाँ मिल सकता है। अगर मेरे को यह चीज़ मिली, मैं दुनिया को बांट सकता हूँ। इसलिए मैंने खाली झोली लेके यहाँ कन्याकुमारी पहुँचा है, तो झोली भर के ही जाऊँगा यहाँ से। सर आपको क्या लगता है, यहाँ जो एजुकेशन मिल रही है, इतना सारा जो आपको आपको इतनी अनुभूतियाँ हुई, तो किस किस क्षेत्र में यहाँ की एजुकेशन हमको स्प्रेड करनी है। जैसे महिलाएं हैं, पूरी फैमिली की एक तो धरोहर है, वो पूरी फैमिली उनसे चल रही है, बच्चों के लिए पहली गुरु वही है, तो उनको कैसे एजुकेट किया जाए, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए। छोटे बच्चे हैं, आज हम देखते हैं कि एजुकेशन भी उस लेवल की उतनी पावरफुल नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। तो क्या आपको लगता है इन सब जगहों पे जाना, ब्रह्मा कुमारी का एजुकेशन देना जरूरी है? यस, बच्चों को ब्रह्म कुमारी के बारे में बचपन से समझाना, बचपन से एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। अगर ये दुनिया, ये पूरा दुनिया अगर शांति से चलना है, ये शांति वचन, ये शांति का एजुकेशन अपन बचपन से बच्चों को देना जरूरी है। यही बच्चे कल माँ बनेंगे जी, यही बच्चे कल शास्त्रवेत्त बनेंगे, यही बच्चे कल अब्दुल कलाम बनेंगे। ऐसा हर एक आदमी जो है बेसिक एजुकेशन से जाएंगे। ये बेसिक नॉलेज जो है ब्रह्म कुमारी इसके पास है, ये निधि बच्चों को बांटना जरूरी है जी। अगर बच्चों को बांट सके, इन्हें कल के दिन अपना भविष्य बांट सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ पहले LKG से लेके ब्रह्म कुमारी एजुकेशन स्कूल्स ओपन करना बहुत जरूरी है। वो स्कूल के माध्यम से बच्चों में ये शांति का वचन, शांति का पाठ और ज्ञान का पाठ, बाबा जो पाए थे, बाबा से जो अपन पाए, वो अपन बच्चों को देना जरूरी है। लेडीज तक कैसे पहुंचे, क्योंकि भले बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आज की लाइफ में, पर स्ट्रगल भी उतना ही है, कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि उनको भी अपलिफ्ट किया जाए। तो आपको क्या लगता है कैसे वहां तक पहुंचे? लेडीज तक पहुंचने में थोड़ा दिक्कत ही होती, मगर जब बच्चों के साथ अपन लेडीज तक पहुंच सके,
बच्चों के द्वारा माँ बाप तक पहुंची जाए। Exactly. पहले बच्चों को अपना स्कूल में दाखिल देकर अपन बच्चों को समझाकर अगर सिस्टर घर तक गई तो एक ना एक दिन वो जो है लेडीज ब्रह्म कुमारिस का ज्ञान अध्ययन करने के लिए ज्ञान को अनुभव करने के लिए कोशिश करते हैं। सर इसमें एक समस्या लेकिन होती है कि नॉर्मली क्योंकि ये कोई कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है तो ना बच्चे उस उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कहीं ना कहीं इस एजुकेशन को, उसके लिए क्या किया जाए? मैं समझता हूँ